हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल जय जिनेंद्र। तो कैसे हो आप? अभी जा रहे हैं हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीट और मुझे ले रहे हैं अभिषेक भाई। तो अभिषेक भाई कहाँ जा रहे हैं हम प्रॉपरली? अभी हम जा रहे हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास। ओके हाँ, वहाँ पर भारतीय विचार मंच के द्वारा आयोजित है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीट। कौन आ रहा है? कोई स्पेशल गेस्ट आ रहा है? हाँ, वीकली ऑर्गेनाइजेशन के तंत्री है प्रफुल्ल केतकर जी आ रहे हैं और आरएसएस के प्रांत जो अध्यक्ष है वो आ रहे हैं प्रचार के। अरे वाह, मजा आने वाला है। तो भैया जी ने बताया तो मैंने कही चलो भैया चलते हैं, इन्फ्लुएंसर मीट है भाई, इन्फ्लुएंसर बन गया तुम्हारा भाई। तो चल, अभी ये माहौल तो काफी अच्छा लग रहा है इधर का, मतलब बना काफी अच्छा है। देखते हैं सेकंड फ्लोर में हमारा प्रोग्राम, चलते हैं। जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा। तो यहाँ पे एक मीट होगी और ये पूरा भी है, यहाँ पे हम लोग बैठेंगे और अभी खाना वगैरह कुछ चल रहा है। आपको अनुसंधान, मीडिया और शिक्षा के क्षेत्र में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है। स्कूल ऑफ जर्नलिज्म दिल्ली विश्वविद्यालय के गवर्निंग काउंसिल के आप सदस्य भी हैं। चीन और दक्षिण पूर्व एशिया, व्यापार और अर्थव्यवस्था। और अब चैलेंज हमारे सामने ये है कि इस एक्टिविज्म को हम कंस्ट्रक्टिव दिशा में कैसे रखें। तो ये बदलता जो स्वरूप है, जैसे मैं मीडिया संस्थानों में पढ़ाता हूँ, मीडिया संस्थानों में बहुत बच्चों के इंटरव्यू करता हूँ, तो उनके सामने कुछ सोशल मीडिया के आइकॉन्स और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आइकॉन्स, यही एक्टिविज्म का स्वरूप है। तो वो कभी बरखा दत्त को लेकर, कभी रवीश कुमार को लेकर, या सोशल मीडिया में कोई किसके कितने मिलियन फॉलोअर्स है उसके आधार पर उनके आइकॉन्स बन रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जो लेखन, चाहे वो मीडिया का हो, चाहे वो कॉलम का हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो, या इवन बाकी चीजों में स्क्रिप्ट लिखना हो, स्टोरी लिखना हो, उसके लिए जो रीडर लगती है, उसके लिए कंटेंट का एक जो अपना खुद की एक शैली विकसित करनी पड़ती है, उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, उससे वो हटकर एक इंस्टेंट, जैसे खाने में एक आ गया है कि इंस्टेंट फूड है, वैसे इंस्टेंट स्टोरी और ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में तो मीडिया में खास करके वो न्यूज को ही ब्रेक कर देते हैं। तो और प्रिंट में कम से कम हमारे ऊपर ये दायित्व रहता है कि भाई कुछ गलती हो गई तो उसके लिए हमको कुछ ना कुछ कॉरिजेंटम देना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक में तो वो भी नहीं है, आप आज एक अभी एक दे दो, 5 मिनट बाद उसके बिल्कुल विरोध में खबर दे दो, पहली को नकारने की जरूरत नहीं, वो भी ब्रेकिंग थी, ये भी ब्रेकिंग। सर, मेरे बच्चे आजकल कॉलेज में जाते हैं तो ये एलजीबीटी, एलजीबीक्यू, क्वीयर, इस सब की चर्चा जो है वो इतनी ज्यादा हो रही है, और उसमें सेक्सुअल प्रेफरेंस वाली बात नहीं है, बट वो जो टर्मिनोलॉजी जो सिखाई जा रही है, जो इंस्टाग्राम में, नेटफ्लिक्स में, और ये सो, सर यहाँ एक जैसे क्वेश्चन आपसे ये है कि आज की युवा जनरेशन, जेन ज़ी स्पेशली, जिसे मैं पढ़ाती हूँ, दे वांटेड टू बिकम अ इन्फ्लुएंसर, उसे इन्फ्लुएंसर बनना है। सो व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस दैट यू कैन गिव टू जेन ज़ी कि वो कौन से टाइप का कॉन्टेंट क्रिएट करे उसी की जनरेशन के लिए? मैं तो मानता हूँ ऑब्जेक्टिविटी अगर आपके कंटेंट में है, क्रेडिबिलिटी अगर आप एस्टेब्लिश करोगे, तभी आप लॉन्ग टर्म जा सकते हो। बाकी क्या है कि वो सावन के अंदर तो फाइनली आज बहुत बढ़िया खाना, और ये पूरे खाने में सबसे बढ़िया चीज क्या, ये बासुंदी नहीं, पम्पकिन बासुंदी ना, मतलब ये एक ड्राई फ्रूट वाली खीर है बोल सकते हैं, बहुत टेस्टी है, मज़ा आ गया। तो अभी खाना वगैरह चल रहा है, मैंने खा लिया मस्त तरीके से, इवेंट ख़त्म हो गया, और ये आईडी कार्ड होता है वो इधर ही छोड़ के जाना होता है, तो बस बहुत बढ़िया रहा आज का इवेंट, मज़ा आ गया तुम, काफ़ी मज़ा है। आपसे भाई कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ना, काफ़ी कुछ सीखने को मिला ना, काफ़ी बड़ी बड़ी बातें हो गई ना, जर्नलिज्म के बारे में काफ़ी बताया, मीडिया के बारे में काफ़ी बताया, भाई सीखने को तो काफ़ी मिला।
तो मैं ब्लॉग के अंत में जय हिंद जय भारत बोलते हैं साथ में। यस, तो आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद जय भारत। और खाना बहुत टेस्टी है, उसको क्या बोलते हैं, मैं अगर आप सीताफल बासुंदी, सीताफल बासुंदी यार ट्राई करो, मजा आ गया, मुझे बहुत अच्छी लगी है।